हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ स्मॉल नंबर्स, जंपिंग टू कंक्लूजन्स एंड सेकंड ऑर्डर थिंकिंग की। लॉ ऑफ स्मॉल नंबर्स के हिसाब से जब हम किसी स्मॉल सैंपल के बेसिस पे कंक्लूजन निकालते हैं तो उसके इनएक्यूरेट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे हम किसी कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में जाएं और वहाँ जाके सर्वे करें कितने लोगों के पास फ़ोन है, तो एंड उस बेसिस पे हम एक ये स्टडी निकाल दें, रिज़ल्ट पब्लिश कर दें कि पूरी इंडिया में लाइक 90% लोगों के पास स्मार्टफोन्स हैं। सो ये कंक्लूजन रॉन्ग हो सकता है ना। और सेकेंड होता है जंपिंग टू कंक्लूजन्स। हम किसी भी को भी जो उसके स्टीरियोटाइप, जिस क्लास से बिलोंग करता है या फिर जिस एरिया से बिलोंग करता है, उस बेसिस पे हम उसको स्टीरियोटाइप कर देते हैं। ये ऐसा है, ये ऐसा है देखने में, ये इसका रंग गोरा है तो ये अंग्रेज़ होगा, तो ये इसका एक्सेंट ऐसा है, ये वहाँ का होगा। बहुत बार सच भी होता है, बट कई बार ये सोचा है कि वो गलत हो। तो और लास्ट है सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग। इसमें हमारे जो हम काम करते हैं उसके इफ़ेक्ट्स के इफ़ेक्ट्स क्या होंगे। जैसे आप जिम जा रहे हो तो आप स्टेरॉयड लोगे, उसका फर्स्ट जो इफ़ेक्ट तो आपकी बॉडी बनेगी ना, बट उसका नॉक ऑन इफेक्ट क्या होगा, है ना, और बुरा होगा ना। तो हमको हमेशा सेकंड ऑर्डर थिंकिंग पे भी ध्यान देना।